वो जो इंटरनेशनल हैंगर जो इंडिकेशन बना है इंडिकेशन, उसमें आप देखें कि भारत का क्या नंबर आया है विश्व में। भारत का नंबर ये कहते हुए जो हमसे पीछे और छोटे छोटे देश हैं उसका पोजीशन भारत से बेहतर दिखा रहा है, ये क्या बात करेंगे। और जो इसका आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के मुकाबले और कई राज्य होंगे जहाँ का कि क्राइम रिपोर्ट यहाँ से ज़्यादा है, उसका अध्ययन कर लें, इसके बाद बात करें। यहाँ तो जो जितना काम हुआ है वो अन्य प्रदेशों में नहीं हुआ है। ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आप लोगों ने ट्वीट भी किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश था। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार आने के बाद भूपेश जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का ग्राफ, दुराचार का ग्राफ, डकैती का ग्राफ और भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं भी पहुंची है, मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं कि प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर के नाम पर जीरो है सरकार। यह रिपोर्ट इस बात को इंगित करता है कि गांव के अंदर रहने वाले वो अपने आप को सुरक्षित नहीं, गांजा, अफीम, चरस, नशे की तस्करी खुलेआम हो रही है और बहनों के साथ जिस प्रकार के दुराचार के वक्तव्य सामने आ रहा है, आज ये रिपोर्ट इस बात को इंगित करती है कि हम बिहार से भी छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए एक शर्मसार संदेश है। अच्छा, ये वर्चुअल मुख्यमंत्री लगातार वर्चुअल बैठके लेते रहे हैं और सारे कार्यक्रम वर्चुअल होते रहे हैं अभी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।